नमस्ते, मैं प्रतिभा सेठी, आपकी टैरेट कार्ड रीडर एंड काउंसलर, एस्ट्रो पॉइंट पश्चिम विहार न्यू दिल्ली से। आज हम बात करेंगे सुप्रिया सूर्य जी की कुंडली के बारे में कि इनका आने वाला टाइम कैसा है। तो इसके लिए मैं अपने स्टूडियो में बुलाना चाहूंगी रिनाउंड सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर सुमित सेठी। तो आइए सुमित, आपका हमारे स्टूडियो एस्ट्रो पॉइंट में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राम राम, सत श्री अकाल। मैं सुमित सेठी, आपका एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड पश्चिम विहार दिल्ली से। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज है 2 नवंबर 2024 फ्राइडे और ये वीडियो अपलोड होगी ठीक 4 दिन बाद 6 नवंबर 2024 वेडनेसडे को, नियत सैटरडे है। और ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है 30 जून 1969, 12 PM पुणे, हमने इंटरनेट से लिया। और ये हमारी अपनी प्रिडिक्शंस और कैलकुलेशंस, आप इसको फॉलो करें या ना करें आपकी अपनी मर्जी है। और जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें, जो स्टूडेंट्स या बच्चे सीख रहे हैं उनको इनकी कुंडली से हेल्प मिलेगी, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अब ये इनकी कुंडली है, इनके प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस। क्वेश्चन फिर से वही है कि इलेक्शन में इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी और रिजल्ट में इनका क्या रहेगा। चलिए, तो ये पॉइंट्स मैं पढ़ देती हूँ। लगन है इनका वर्गो, लगन मींस फर्स्ट हाउस, वर्गो कन्या जो कि मर्करी बुध को डिनोट करता है। चंद्र लगन है, ये चंद्रमा लिखा हुआ है, चंद्र लगन है धनु, सेजिटेरियस जो कि जुपिटर गुरु को डिनोट करता है। सूर्य लगन है मिथुन, सूर्य लगन है मिथुन, ये सूर्य लिखा हुआ है तो सन साइन है मिथुन, जेमिनाई जो कि मर्करी बुध को डिनोट करता है। और 23 नवंबर को इनकी कुंडली में गोचर में ये सब चेंजेस होंगे जो कि दशाएं और गोचर बहुत मैटर करते हैं, हम हमेशा बताते हैं। जुपिटर इनका 9th हाउस में, गुरु इनका यहाँ 9th हाउस में होगा, बुध जो है इनका 3rd हाउस में होगा, राहु इनका 7th में होगा, शनि 6th में होगा और मून जो होगा चंद्रमा वो 12th में होगा। हालांकि शनि तब रेट्रोग्रेशन से बाहर आ जाएगा, 6th में होगा वो। दोस्तों चलिए, अब हम अपने महाराष्ट्र की सीरीज में दोस्तों बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। दोस्तों ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया हम लोगों ने, बस अब कांग्रेस के दोस्तों एक या दो लोग रह गए, बाकी ऑलमोस्ट हमने सब कवर कर लिया है। यहाँ पे दोस्तों आपने सैटरडे संडे के हमारे दोनों वीडियो देखी होंगी, चाचा भतीजा की दोस्तों, यानी कि दोस्तों आदित्य ठाकरे की और दोस्तों उनके चाचा राज ठाकरे की। दोस्तों अब हमारा ऑलमोस्ट एंडिंग पे आ चुके हैं दोस्तों। अब वर्डिक्ट हमारा आपको मालूम है, मैंने बता रखा आपको कि मुझे चांसेस ज्यादा किसके लग रहे हैं। दोस्तों हमें और क्लैरिटी यहाँ से मिल जाएगी। तो ये है सुप्रिया सुले, उनके फादर की हमने कुंडली में रहती शरद पवार साहब की, और मैंने आपको बात बताई थी तब को उनका टाइम काफी ज्यादा अच्छा। इनफैक्ट एमबीए की बात हम लोग करके देखे हैं जिसमें दोस्तों कांग्रेस भी है, शिवसेना यूपीटी भी है और दोस्तों एनसीपी शरद पवार भी है। दोस्तों शरद पवार साहब ही ऐसे हैं जिनकी कुंडली में दशा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चल रही है दोस्तों इस समय। अब दोस्तों इनकी बिटिया का क्या रहता है दोस्तों, वो एक बार देख लेते हैं फटाफट। दोस्तों लगन है कन्या दोस्तों मर्करी, सूर्य लगन मिथुन, दोस्तों वो भी मर्करी, यानी कि मर्करी डबल असेंडेंट हो गया। फर्स्ट और टेंथ का लॉर्ड दोस्तों कहाँ पे प्लेस है, 9th पिता वाले घर के अंदर। दोस्तों यही कॉम्बिनेशन हमने देखा दोस्तों उनके कुंडली में, उद्धव ठाकरे कुंडली में। आपको मालूम है उनके पिता दोस्तों ग्रेट बाला साहब ठाकरे, और दोस्तों अब इनकी सुप्रिया सूले की जो जो फादर भी है दोस्तों भीष्म पितामह, हिंदुस्तान के अगर हम लोग बात करें राजनीति की बात करें शरद पवार साहब, तो 9th हाउस में दोस्तों सेल्फ का लॉर्ड और दोस्तों 9th हाउस में ही 10th करियर का लॉर्ड, यानी कि पिता वाले घर में दोस्तों आपके सेल्फ का लॉर्ड, पिता वाले घर में दोस्तों आपके 10th का लॉर्ड, कहीं ना कहीं आपको फादर के लेगेसी दोस्तों मिल जाती है, फादर का आपको एक एक किंगडम दोस्तों आपको मिल जाता है, उसको आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं। कहते हैं ना बॉर्न विद द गोल्डन स्पून, दोस्तों वही सुप्रिया सूले जी का भी है, पिता का दोस्तों बनाया वो सारा कुछ इनको यहाँ पे मिल गया, क्लियर कट यहाँ पे दोस्तों इंडिकेशन में मिल जाती है। और दोस्तों ये 9th हाउस में सेल्फ का लॉर्ड ना भाग्य को दोस्तों बहुत ऊपर लेके जाता है, और इतने इतने फेमस, इतने नेम एंड फेम, इतने पावरफुल पिता के घर में जन्म लेना भी दोस्तों किस्मत से कम नहीं होता दोस्तों, ये भी भाग्य के साथ यहाँ पे अपने को मिल जाता है काफी। दोस्तों चंद्र लग्न इनका हो गया धनु, जिसका लॉर्ड बन गया गुरु, और अगर आप देखें गुरु भी दोस्तों सेल्फ हाउस में, यानी कि दोस्तों तीनों के तीनों जो सेल्फ के लॉर्ड है, यानी कि दो तो हो गए दोस्तों आपके, एक तो दोस्तों ये हो गया सेल्फ का लॉर्ड बुध, दोस्तों डबल सेल्फ लॉर्ड दोस्तों त्रिकोण में, और दोस्तों जनता का लॉर्ड, चंद्रमा का लॉर्ड, चंद्रमा राशि का लॉर्ड दोस्तों गुरु, वो आपके सेल्फ हाउस के अंदर। दोस्तों एक ये भी बहुत बड़ी बात बन जाती है कि तीनों के तीनों सेल्फ के लॉर्ड केंद्र और त्रिकोण में प्रेजेंट, दोस्तों ये बहुत ज्यादा पावरफुल योग बन जाता है, बहुत ज्यादा किस्मत वाला योग बन जाता है दोस्तों, बहुत नेम एंड फेम देने वाला योग बन जाता है। हाँ लेकिन दोस्तों पिता का रोल बहुत ज्यादा है, बिकॉज पिता का जो लॉर्ड है दोस्तों शुक्र, वो भी वेल प्लेस्ड है दोस्तों अपने मित्र प्लैनेट के साथ अपनी राशि को देखते हुए, और पिता का लॉर्ड दोस्तों आपको सेल्फ का लॉर्ड भी आ गया। दोस्तों अब आते हैं मेन इलेक्शन पे, दोस्तों 20th को आपको मालूम है इलेक्शन है, पोलिंग है, और 23rd को दोस्तों रिजल्ट है। तो उस दिन दोस्तों गोचर क्या रहेगा, तो हमने समय देखा इसमें भी देखते हैं दोस्तों, जुपिटर होगा उसमें रेट्रोग्रेड 9th हाउस के अंदर, दोस्तों 2 नंबर में जुपिटर। और मैंने आपको एक बात हमेशा बताई कि कन्या लगन वालों के लिए इसमें तो दोस्तों जुपिटर की जो पोजीशनिंग है सबसे ज्यादा बेटर पोजीशनिंग है, बहुत शानदार प्लेस है, भाग्य को बढ़ा के चल रहा है दोस्तों, और आपके कहीं ना कहीं आपकी किस्मत को ऊपर लेके चल रहा है।
दोस्तों मर्क्यूरी थर्ड हाउस में रहेगा दोस्तों, डबल असेंडेंट मर्क्यूरी जो कि नाइन्थ हाउस में है दोस्तों, गोचर अगर हम लोग देखेंगे थर्ड हाउस में होगा, और दोस्तों थर्ड का मर्क्यूरी आपके नाइन्थ हाउस में इंपैक्ट डालता है जहां पर नेटल चार्ट में प्लेस है, जबकि गोचर का मर्क्यूरी भी और नेटल चार्ट का मर्क्यूरी भी जो कि डबल असेंडेंट है, वेल प्लेस्ड है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गली प्लेस्ड है दोस्तों, एक और एडवांटेज आपको यहाँ मिल जाता है। दोस्तों राहु होगा इनका सेवंथ हाउस में, कुंडली में भी राहु सेवंथ हाउस में, गोचर में भी दोस्तों राहु सेवंथ हाउस में, ये कोई बहुत बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन दोस्तों नहीं होता, बिकॉज सेवंथ का राहु आपके सेल्फ हाउस में इंपैक्ट डाल के थोड़ी सी डेविएशन लेकर आता है दोस्तों, हालांकि केंद्र में राहु उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता जितना होना चाहिए, बट स्टिल दोस्तों नेगेटिविटी रहती है उसकी, तो ये काइंड ऑफ अ मीडियोकर कॉम्बिनेशन दोस्तों। तो शनि होगा अपने ही सिक्स हाउस में, डायरेक्ट हो चुका होगा, अच्छा कॉम्बिनेशन। तो कुंडली में शनि नीच का है, यहाँ पे दोस्तों कुंडली शनि होगा सिक्स हाउस के अंदर, तो कोई बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होगा दोस्तों, अबव एवरेज कह सकते हैं इसको, तो वो भी थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि हाँ दुश्मन हमारे थोड़े शांत हो गए, हर्डल्स हमारी थोड़ी कम हो गई, बिकॉज शनि यहाँ पे डायरेक्ट हो चुका होगा तब तक जब चुनाव होने वाले होंगे। दोस्तों चंद्रमा जो कि यहाँ पे गेंस को दिखाता है दोस्तों, आपके गेंस प्रोफेशनल गेंस को दिखाएगा, आपके ओवरऑल गेंस को दिखाकर चलता है दोस्तों। कुंडली में बात करेंगे हम लोग तो वो बहुत शानदार फोर्थ हाउस में प्लेस है, जनता जो इसको जनता का घर कहा जाता है, फैमिली या जनता, जनता वाले घर में दोस्तों प्लेस है, फ्रेंडली साइन के अंदर प्लेस है। और दोस्तों जब बात करेंगे गोचर की, तो दोस्तों गोचर में आ जाएगा ये आपका इसके अंदर ट्वेल्थ हाउस के अंदर, जो कि बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं होती, बट अपने जो नेटल चार्ट में जो दोस्तों अच्छी प्लेसमेंट है उससे नाइन्थ हाउस में होने से, फ्रेंडली साइन के अंदर दोस्तों होने से चीजों को थोड़ा सा बेहतर ही करता है। तो ओवरऑल हम लोग देखकर चलें दोस्तों, तो इनकी गोचर की बात करें, इनकी कुंडली के कॉम्बिनेशन की बात करें, काफी ज्यादा बेटर है दोस्तों एज कम्पेयर टू उद्धव ठाकरे, एज कम्पेयर टू बाकी लोग जो है दोस्तों एमबीए के अंदर, तो ये दोस्तों थोड़ी बेटरमेंट है, पोजीशनिंग हमें देखकर चल रही है। अब एक बार इनकी दशा देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा कि दोस्तों की एमबीए के अंदर सबसे ताकतवर कौन सा यूनिट लग रहा है दोस्तों अपने को, यूबीटी, कांग्रेस या शरद पवार। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आते हैं दशाओं पे, हम हमेशा कहते हैं दशाएं बहुत मैटर करती है। चलिए फ्रेंड्स, जिंदगी में होना है सफल तो जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से, मुश्किलों को दूर करना अपनी लाइफ से तो भी जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से, नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप चाहें तो मैं कॉन्टेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनल वीडियो के लिए, ईयरली रिपोर्ट के लिए, कि आने वाला आपका टाइम कैसा है। ये तो है इनकी कुंडली, अगर आप चाहें तो आपकी सेम कुंडली भी हम इसी पैटर्न में आपको बना के व्हाट्सएप या मेल कर सकते हैं, आप अलाउ करोगे तो ही हम यूट्यूब पर डालेंगे, और अगर आप चाहें तो आपका नाम हम और जगह चेंज करके डाल सकते हैं ताकि आपकी प्राइवेसी और सीक्रेसी मेंटेन रहे, और जो क्वेश्चन आप मना करेंगे हम वीडियो में नहीं लेंगे, इसके हमारे चार्जेस हैं, अलग से प्रोसीजर है। अगर आप चाहें तो अपनी पर्सनल कुंडली के लिए हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। चलिए अब हम दशाओं पे आ जाते हैं, क्वेश्चन फिर से वही है कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। जुपिटर मर्करी, हम महादशा पे नहीं आते, हम अंतर दशा पे आते हैं, आज की करंट दशा। जुपिटर इनका गुरु जो है फर्स्ट हाउस में है और बुध है नाइन्थ में, मतलब फर्स्ट और नाइन्थ की दशा इनके लिए कैसी रहेगी। 26 जून 2023 को स्टार्ट हुई थी और 3 अक्टूबर 2025 को खत्म होगी, मतलब 2 साल 4 महीने की दशा इनके लिए कैसी रहेगी। दोस्तों गुरु मर्क्यूरी, दोस्तों आप देखिए मैंने बताया कि गोचर में दोस्तों नाइन्थ हाउस में प्लेस है, बेहद ही ज्यादा शानदार। दोस्तों कुंडली में सेल्फ हाउस में प्लेस है, बेहद ही ज्यादा शानदार। दोस्तों हालांकि राहु को इंपैक्ट छोड़ते हैं गुरु से, काइंड ऑफ गुरु चंडाल योग बन जाता है, बट दोस्तों सेल्फ हाउस में गुरु बुध की राशि के अंदर दोस्तों, फोर्थ जनता का लॉर्ड, सेवन दोस्तों प्रोफेशन का लॉर्ड, अपने साइन को देखता हो दोस्तों गुरु बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। हालांकि दोस्तों महादशा बहुत शानदार। दोस्तों मर्क्यूरी की बात करें, मैंने बताया आपको डबल असेंडेंट है, नाइन्थ हाउस में प्लेस है, इससे सुंदर कुछ होता ही नहीं है दोस्तों। दोस्तों गुरु से बुध नाइन्थ हाउस में प्लेस, यानी कि महादशा फर्स्ट हाउस में दोस्तों, दोस्तों मर्क्यूरी जो है अंतर दशा वो है नाइन्थ हाउस में, दोस्तों दोनों में नाइन्थ और फिफ्थ का डिफरेंस जो कि दोस्तों बहुत ज्यादा शानदार। दोस्तों प्लस प्लस और सेल्फ प्लस, तो यानी कि ये पर्टिकुलर दशा प्लस दोस्तों गोचर, आप मान के चलिए कि बेहद ही ज्यादा शानदार दोस्तों है। और अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये लोकसभा में भी यही दोस्तों कॉम्बिनेशन चल रहा था, और दोस्तों इन्होंने बहुत एक टाइट फाइट जिसको समझा जा रहा था, जिसमें तो अजीत पवार जो इनके चाचा है दोस्तों, उनकी वाइफ यानी कि शायद अपनी मतलब चाची को दोस्तों कहने की शायद हराया था, जितना मुझे ध्यान में आ रहा है लोकसभा चुनाव के अंदर। तो दोस्तों इनका पावरफुल टाइम और पिता का आशीर्वाद कह लीजिए, पिता की लेगेसी कह लीजिए, पिता का नाम कह लीजिए दोस्तों, इनको आगे लेकर चल रही है। तो ये वाली पर्टिकुलर दशा दोस्तों मर्क्यूरी उस यहाँ पे फादर को भी डिनोट करेगा दोस्तों, जुपिटर तो दोस्तों सेल्फ हाउस में, यानी कि सेल्फ और फादर की दशा, तो कहीं ना कहीं इनका बेड़ा पार करवा के चलेगी। तो दशा बहुत ज्यादा पावरफुल दशा दोस्तों। अब इसमें हम अंतर दशा प्रत्यंतर भी आते हैं,
एग्जैक्ट दोस्तों पिक्चर सामने आ जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही वीडियोस अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर एंड कमेंट करके बताइए आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। हमारी वीडियोस अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। चलिए अब आपका इंतजार खत्म हो गया, क्वेश्चन फिर से वही है कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। अब मैं वो दशा ले रही हूँ जो इनके इस टाइम पीरियड में आएगी। इस दशा को हम और छोटा कर लेते हैं, प्रत्यंतर दशा पे आते हैं। जुपिटर मर्करी राहु, मतलब फर्स्ट नाइन्थ एंड सेवेंथ की दशा इनके लिए कैसी रहेगी। 3 अक्टूबर 2024 को स्टार्ट हुई है, लास्ट मंथ ही हुई है, अभी एक महीना हुआ है, और 4 फरवरी 2025 तक चलेगी, मतलब 4 महीने की दशा इनके लिए कैसी रहेगी। 220 को चुना, 223 का रिजल्ट, और इसी बीच में दोस्तों ये दशा मारी आ जाएगी, यानी कि राहु दोस्तों थर्ड लेवल पे आ जाएगा। दोस्तों जुपिटर हमने देख लिया, मर्करी देख लिया, अब राहु। तो राहु का गुरु की राशि में, गुरु का भी इम्पैक्ट है दोस्तों, यानी कि दोस्तों राहु का आपको मालूम अपनी आइडेंटिटी नहीं होती, अपनी कोई दोस्तों उसका कोई सॉलिड फिगर नहीं होती, जिस राशि में होगा, जिस प्लैनेट के साथ होगा, जिसका इफेक्ट होगा वैसा ही काम करेगा। तो दोस्तों इन्हें भी यहाँ पे राहु गुरु का ही काम करेगा, जुपिटर का ही काम करेगा। तो दोस्तों इसको लॉजिकली तो नहीं, बट हाँ दोस्तों इसको अभी ऐसे मान चल सकते कि जुपिटर मर्क्यूरी जुपिटर, तो डबल डबल जुपिटर की दशा मान के हम यहाँ पे चल सकते हैं, बिकॉज राहु यहाँ पे बुरा नहीं है। और उसको गोचर में भी राहु सेवंथ हाउस में ही है, यानी कि राहु की पोजीशनिंग आइडेंटिकल पोजीशनिंग है जो गोचर में है, जो कुंडली के अंदर है। तो यानी कि दोस्तों ये पर्टिकुलर दशा की हम लोग बात करके चले, इससे ये बहुत पावरफुल दशा रहने वाली है। और दोस्तों इससे एक बात और कंफर्म हो जाती है कि जो हम लोगों ने इनके पिता की कुंडली बात की, शरद पवार साहब की कुंडली बात की थी, कि इनकी कुंडली के अंदर, या अगर हम एमबीए की बात करें दोस्तों, तो एमबीए में जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होल्ड है, जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग पोजीशनिंग है दोस्तों, मुझे दोस्तों लगता है एनसीपी शरद पवार की है। तो दोस्तों इनके आने की, इनकी वजह से भी दोस्तों पोजीशन और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। इनका दोस्तों यूथ के साथ जो कनेक्ट होगा, या वुमेन के साथ जो दोस्तों कनेक्ट होगा, या दोस्तों जो भी जहां पे भी महिला संगठन होंगे उनके साथ जो इनका कनेक्ट होगा, दोस्तों साथ में एमपी भी है, तो उसका जो दोस्तों पावर, उसका जो इफेक्ट होगा, तो काफी हद तक ये शरद पवार साहब को कहीं ना कहीं दोस्तों ये एक एक बहुत प्लस पॉइंट देकर चल रही है। और ये एक बात कंफर्म है, दोनों बाप और बेटी, यानी कि शरद पवार जी और दोस्तों सुप्रिया सुले, इन दोनों का जो मतलब एक कॉम्बिनेशन है, गठबंधन है दोस्तों, वो अजीत पवार से बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा। अजीत पवार पे बहुत भारी पड़ने वाले, अजीत पवार दोस्तों इनके सामने कहीं पर भी नहीं ठहरने वाले। और अजीत पवार दोस्तों मैं फिर बता रहा हूँ, महायुति के सबसे बड़े वीक लिंक साबित होने वाले हैं। और दोस्तों ये पिता पुत्री, यानी कि शरद पवार जी और सुप्रिया सुले दोनों, ये बहुत भारी साबित होंगे। एमबीए का जो बेड़ा पार करवा सकते आज के डेट में, तो यही दोनों लोग करवा सकते हैं, शरद पवार जी खासकर और सुप्रिया सुले, माना एमबीए दोस्तों से बहुत ज्यादा स्टिकी भी करते हैं। दोस्तों इनके आने से एक बात है, क्लोज फाइट हो जाती है, जो हम लोग कहते हैं कि अपर हैंड है महायुति का, इनके कुंडली मैंने देखी तो थोड़ा सा अपर हैंड दोस्तों अभी भी महायुति का है, बट एक क्लोज फाइट देने के दोस्तों काफी ज्यादा करीब, बट स्टिल आई वुड से एडवांटेज महायुति, अभी भी दोस्तों महायुति काफी ज्यादा आगे। अभी हमने मोदी की कुंडली फैक्टर करनी है, राहुल गांधी की कुंडली फैक्टर करके चलेगी। अब दोस्तों अगले हम लोग वीडियो बनाते हैं नाना पटोले की, और एक मोदी जी राहुल के बना के एक इसको वाइंड अप करेंगे। बट दोस्तों मुझे अभी भी लगता है महायुति आगे है, बट इनके आगे दोस्तों फाइट तगड़ी हो जाती है, और अजीत पवार दोस्तों इनके आगे दोस्तों कहीं पर भी ठहरने वाले नहीं, वीक इनके बहुत बड़े। चलिए फ्रेंड्स, हमने अपनी प्रिडिक्शन दे दिया, फिर भी किसी के क्वेश्चन आएंगे तो कमेंट या मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं, अब शायद वीकली वीडियो पे मिलेंगे, वीकली वीडियो का। चलिए फ्रेंड्स, कल दोस्तों, कल के, हाँ कल थर्सडे, कल वीकली वीडियो दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, नई वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय माता दी फ्रेंड्स, दोस्तों टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद, जय भारत।